वेलकम एट यूनिवर्सल एजुकेशन पॉइंट चैनल। टुडेज टॉपिक इज थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, या मैं ये कहूँ समझने के लिए, हमें कॉमन इमिटर एम्पलीफायर लेना होगा, यानी कि कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर को लेकर हम थर्मल रन अवे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के अंदर जो हम ट्रांजिस्टर लेंगे वो कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है? ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ ये एरो बताती है ये टाइप एनपीएन का है या पीएनपी का है। ये एरो अगर बाहर की तरफ है तो ये एरो हमें करंट की डायरेक्शंस को एक्सप्लेन करती है, यानी कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर ये एरो बाहर की तरफ है तो ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे मिलेगा और ये वाला टर्मिनल कौन से पोटेंशियल पे मिलेगा? लोअर पोटेंशियल पे मिलेगा। इसका मतलब ये टर्मिनल N बन गया और ये टर्मिनल P बन गया और ये टर्मिनल फिर N बन गया। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा होगा? NPN ट्रांजिस्टर होगा। और कोई भी ट्रांजिस्टर सिर्फ तीन रीजन से बना होता है, जिसके अंदर तीन रीजन कौन कौन से होते हैं? इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब ये तीन रीजन से जो ट्रांजिस्टर बना है, और हमें ये भी पता है अगर हमें आउटपुट को नोट करना है तो हमें चार टर्मिनल चाहिए, दो इनपुट के लिए टर्मिनल चाहिए और दो आउटपुट के लिए टर्मिनल चाहिए, तो हमें इसके अंदर एक टर्मिनल को क्या करना पड़ा? कॉमन करना पड़ा। और जो कॉमन हमने किया है वो इमिटर टर्मिनल को कॉमन किया है, यानी कि इमिटर टर्मिनल को मैं इनपुट में भी यूज करूंगा, इमिटर टर्मिनल को मैं आउटपुट में भी यूज करूंगा। इसके बाद हमें इस कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की वर्किंग को चेक करना था, तो वर्किंग को चेक करने के लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ी? बायसिंग करनी पड़ी। और बायसिंग हमने इस टाइप में की कि हमें जो आउटपुट मिले वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिले। यानी कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन का क्या मीनिंग है? मैं जिस शेप का सिग्नल इस एम्पलीफायर को दूंगा वैसे ही शेप का सिग्नल मेरे को आउटपुट के अंदर मिले, यानी कि आउटपुट के अंदर जो सिग्नल मेरे को मिलेगा उसकी शेप के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा इनपुट के अंदर मैंने दिया है वैसा का वैसा सिग्नल मिले, तो ऐसे एम्पलीफिकेशन को हम क्या कहते हैं? फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अगर आउटपुट के अंदर जो सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल की अगर शेप में कोई चेंज आ रहा है तो ऐसी एम्पलीफिकेशन को हम क्या कहते हैं? अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। और अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हमारे किसी भी काम की नहीं होती है, हमें सिर्फ फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए। यानी कि मैंने ट्रांजिस्टर की बायसिंग कर दी है और बायसिंग इस टाइप की है कि मेरे को आउटपुट के अंदर फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिल रही है, वो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मिल रही है। अब यहां से आगे मैं कंसेप्ट को स्टडी कर रहा हूं थर्मल रन अवे के। थर्मल की फिजिक्स में जब भी बात आती है तो थर्मल का क्या मीनिंग होता है? टेम्परेचर। यानी कि थर्मल मीन्स हीट, और हीट किससे मिलेगी? टेम्परेचर से। यानी कि इस एम्पलीफायर के ऊपर जो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या अफेक्ट होगा? ये एम्पलीफायर स्मूथली वर्क करेगा, ये अपने पाथ से अवे चला जाएगा। यानी कि हमें इस चीज को स्टडी करना है। जब मैं टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये एम्पलीफायर हमें जो एम्पलीफिकेशन दे रहा है वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन दे रहा है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही क्या होगा? ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर रन अवे होगा, मीन्स अपने पाथ से दूर चला जाएगा। यानी कि ये क्या होगा? बर्न हो जाएगा, यानी कि ये जल जाएगा टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही, तो ये अपने पाथ से दूर चला जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? थर्मल रन अवे कहते हैं। और इस थर्मल रन अवे को समझने के लिए अब मैं इस प्रोसेस को समझा रहा हूं कि ये कैसे
थर्मल रन अवे के अंदर चला जाएगा और थर्मल रन अवे एग्जिस्ट होते ही हमारा एम्पलीफायर बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने क्या ले रखा है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर ले रखा है। और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के अंदर जो करंट आएगा हमें पता है इस डायरेक्शन में कौन सा करंट आएगा, इमीटर करंट आएगा। और इस इमीटर टर्मिनल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इनपुट में भी यूज करूंगा, तो इधर कौन चला जाएगा, बेस करंट, और इधर कौन चला जाएगा, कलेक्टर करंट। ये मेरे पास बेस की तरफ चला जाएगा, ये मेरे पास कलेक्टर की तरफ चला जाएगा। यहां पर इसका मतलब जो मेरा इमीटर करंट है वो क्या हो गया, दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, दो पार्ट में ब्रेक हुआ है। तो किस किस में, बेस में और कलेक्टर करंट में। इसका मतलब IE की वैल्यू क्या है, दैट इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू सम ऑफ द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो मैंने वही लिखा है, IE इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब हमने यहां से आगे चलना है और थर्मल रनअवे के कंसेप्ट को समझना है। तो यहां से आगे मैं चल रहा हूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं, कलेक्टर करंट फॉर ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। यानी कि हम इस कलेक्टर करंट की वैल्यू को निकाल रहे हैं, आईसी की वैल्यू को निकाल रहे हैं इस कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के अंदर, जो कि क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आईसी इज इक्वल टू एल्फा टाइम IE प्लस ICBO। ये मैंने कौन सा आर्टिकल लिया है, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस आर्टिकल कौन सा है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, उसके बाद कॉमन इमीटर आया, उसके बाद कॉमन कलेक्टर आया है, तभी तो हमने कंपैरिजन को स्टडी किया है। तो मैं लेकर किसको चलूंगा, कॉमन बेस को लेकर चलूंगा, उसको कन्वर्ट किस में करूंगा, कॉमन इमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने कॉमन बेस से कॉमन कलेक्टर वाले फॉर्मूले को लिखा, और वो कॉमन बेस के अंदर कौन सा फॉर्मूला बनता है, आईसी इज इक्वल टू एल्फा टाइम आईई प्लस आईसीबीओ। ये क्या है, सी फॉर कलेक्टर, बी फॉर बेस, ओ फॉर ओपन। और ओपन क्या है, इसमें इमीटर को हम कॉमन बेस के अंदर इमीटर को ओपन करते हैं। तो वहां पर ये कौन सी चीज आ गई, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ICBO, दैट इज लीकेज करंट भी बोलते हैं। और ये करंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और इस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसको हम काफी बार नेगलेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैं इस आर्टिकल के अंदर इसको लेके चलूंगा, तो यहां पर हम लेके चले, अब इसको कन्वर्ट करूंगा अपने आर्टिकल के अंदर। तो यहां से मैंने ये वाला फॉर्मूला इमीटर की वैल्यू यहां पर लिखी, करंट की, इमीटर करंट की यहां पर लिखी, तो ये मैंने लिख दिया है। तो ये क्या, आईबी प्लस आईसी। अब इसके बाद मैं इस अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, तो ये मेरे पास बन गया अल्फा आईबी प्लस अल्फा आईसी। इसके बाद इस आईसी वाली टर्म को मैं किधर ले आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और आईसी को कॉमन निकाल लूंगा, तो यहां से तो क्या बच गया, वन बचा, और यहां से क्या बचा, माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये फैक्टर बच गया और ये फैक्टर बचा। अब यहां से आईसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इस फैक्टर को, इस इक्वेशन को थ्रू आउट में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो अल्फा अपॉन दिस फैक्टर, और यहां पर वन अपॉन दिस फैक्टर, और इस फैक्टर को हम क्या पुट करते हैं, बीटा पुट करते हैं, बीटा पुट करते हैं। तो यहां पर तो ये मैंने देखो बीटा पुट किया है, यहां पर बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा की जो वैल्यू ये पुट की है, तो यहां पर ये तो फैक्टर बन गया बीटा। अब ये फैक्टर क्या बनेगा, इस फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने किसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, वन प्लस बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट किया, और 1 प्लस बीटा की जब वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो यहां पर हमने बीटा की वैल्यू को पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट किया, एलसीएम लिया ये, तो एलसीएम लेने के बाद यहां से 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा बना। इसका मतलब 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, 1 प्लस बीटा पुट कर सकता हूं, या बीटा प्लस 1 पुट कर सकता हूं। तो इसकी वैल्यू में यहां पर क्या पुट कर सकता हूं, बीटा प्लस 1 आईसी। इसका मतलब मेरे पास कलेक्टर करंट ये बन चुका है। अब कलेक्टर करंट को स्टडी करने के लिए देखो, यहां पर अगर इफ
आई बेस करंट को मैं जीरो कर दूं, बेस करंट को यानी जीरो कर दूं, तो ये टर्मिनल क्या बन जाता है, ओपन बन जाता है, ये ओपन बन गया, बेस ओपन बन जाएगा। तो यहां पर कौन बचेगा, एमिटर बचेगा और कलेक्टर बचेगा। इसका मतलब इस केस के अंदर कौन सा कन्वर्ट हो जाएगा, आई सी ई ओ ओपन कौन हो जाएगा, बेस करंट, और ये बेस को जीरो किससे करूंगा, इनपुट वोल्टेज से हम जीरो कर देते हैं, हम स्टडी कर चुके हैं इसको। ये बेस करंट इज जीरो, तो यहां से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओनली ये सर्किट वर्क करेगा इधर वाला। तो यहां पर अगर मैं आईबी को जीरो कर देता हूं तो जो कलेक्टर करंट बचेगा यहां पर, ये आईसीबी है, ये क्या बन जाएगा, ICEO, ये बन गया। इसका मतलब ICEO की वैल्यू क्या बन गई, ICEO इज इक्वल टू यहां पर ये जो बन गया मेरे पास बीटा प्लस वन ICBO, ये बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास IC क्या आ गया, बीटा IB प्लस ICEO, ये आ चुका है। और ये मेरे पास यहां पर ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैंने पुट किया तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है। अब यहां से आगे हमें थर्मल रनअवे के कंसेप्ट को स्टडी करना है इस इक्वेशन को लेते हुए। इक्वेशन मैं इसको नाम दे रहा हूं वन। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये स्टडी करना चाह रहे हैं हम। अगर मैं देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ICBO क्या चीज है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये लीकेज करंट है, और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट किसकी वजह से आता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है। और ये कैसे बनता है, सपोज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सपोज करो मेरे पास पीएन डायोड है, ये मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ये मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। इस केस के अंदर मेजोरिटी में कौन है, होल है, और माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इसमें मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी में कौन है, होल है। यानी कि ये ICBO है इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, और ये रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता है। फॉरवर्ड बायस के अंदर तो नी वोल्टेज आती है, नी वोल्टेज से एकदम से करंट फ्लो करता है। अब मैं इसके ऊपर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एटम्स की जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, मीन जो एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्डिंग बना रखी है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होगी। और कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होते ही इस पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब कैरियर कंसंट्रेशंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कैरियर कंसंट्रेशंस की वैल्यू इंक्रीज होते ही ये कैरियर कंसंट्रेशन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, करंट बनेगा। करंट बनते ही कौन बनेगा, कौन सा बनेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट बनेगा। इसका मतलब जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही बॉन्डिंग ब्रेक होगी, बॉन्डिंग ब्रेक होती ही कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ते ही रिवर्स लीकेज करंट बढ़ेगा, और रिवर्स लीकेज करंट बढ़ते ही कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ICBO, मैंने एक कंसेप्ट को बढ़ा, टेम्परेचर का कंसेप्ट को इंक्रीज करने के ऊपर कौन बढ़ेगा, ICBO बढ़ेगा। अगर ICBO बढ़ेगा तो यहाँ पे ICEO की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, अगर ये मान लो ICO की कुछ ये वैल्यू बढ़ी तो ये ICEO की तो वैल्यू कितनी बढ़ गई, बीटा प्लस वन टाइम बढ़ गई। इसका मतलब ICO बढ़ते ही कौन बढ़ गया मेरे पास, ICEO बढ़ गया, ये बढ़ गया। इसके बढ़ते ही कौन बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा। अभी हमें इस सिर्फ इसके फैक्टर को स्टडी किया है, अब हम आईबी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कलेक्टर करंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो आईबी है, आईबी तो बेस करंट है, और ये बेस करंट यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो बेस करंट, ये वाला बेस करंट आ रहा है, ये बेस करंट, ये अंदर की तरफ बेस करंट आ रहा है। इसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए हमें इस पॉजिटिव को पॉजिटिव देना पड़ता है और नेगेटिव को नेगेटिव देना पड़ता है। और ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को मैं कहता हूं इनपुट वोल्टेज, और ये कौन सी वोल्टेज है, VBE, इस वोल्टेज को मैं ये बोलता हूं। इसका मतलब हमें ये चेक करना है क्या ये इनपुट वोल्टेज है VBE जो है,
ये इनपुट वोल्टेज क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इस चीज को हमें समझना है। ये जो VBE है ये कौन सी वोल्टेज है, इसका मतलब मैं VBE को इंक्रीज करता हूं तो ये मेरे फॉरवर्ड बायस में ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। और मेरे को पता है जब मैं वोल्ट V और I का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो करंट सर्किट में कब फ्लो करता है, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो 0.7 वोल्ट से पहले कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, 0.7 के ऊपर आते ही एकदम से करंट फ्लो करता है। और इस सर्किट में जब तक करंट फ्लो नहीं करता उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। ये नी वोल्टेज क्या है हमें इसको समझना है, इस नी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, सपोज करो मेरे पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ये मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ये मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, दोनों को जब डिफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, होल मूव फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अप टू दैट सैचुरेशन स्टेज इज टू बी एग्जिस्ट। तो एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है इस केस के अंदर, ऐसे डिप्लीशन लेयर। और ये पोटेंशियल, ये डिप्लीशन लेयर क्या होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। और ये सिलिकॉन के केस में कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। इसका मतलब सिलिकॉन के केस में अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस बनाता हूं, यहां से पी को पॉजिटिव दे देता हूं और एन को नेगेटिव दे देता हूं, तो ये 0.7 वोल्ट जब तक नहीं होगी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, 0.7 से ऊपर देते ही तो क्या ब्रेक हो जाएगी, ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और खत्म होते ही एकदम से चार्ज कैरियर फ्लो करेगा, क्यों, देखो पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे होल मेजोरिटी में होल, ये पॉजिटिव होल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इधर भगेगा, ऐसे धक्का मारेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस रीजन से ऐसे रिपेल करेगा क्योंकि नेगेटिव दिया है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ आएगा तो होल के साथ रिकम्बाइन करेगा, होल इधर आएगा तो इस पॉजिटिव के साथ रिकम्बाइन करेगा तो ये न्यूट्रल बनेगा। इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी इसकी वजह से। अब मैं इसका कंसेप्ट मैंने समझा दिया, इसके कंसेप्ट को मैं हटा रहा हूं, तो यहां से अब मैं क्या कह रहा हूं, जो ये इनपुट वोल्टेज है ये कितनी है, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां पर मेजोरिटी में होल है, यहां पर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो हमेशा कैरियर इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ती है, कैरियर चार्ज कैरियर्स की थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, 3/2 kT बढ़ती है। 3/2 kT की बढ़ने की वजह से इनकी क्या बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इनकी क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। अगर इनकी एनर्जी बढ़ गई तो होल मूव फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन करेगा डिप्लीशन लेयर के अंदर, होल इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेगा। तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इस पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो हमने क्या देखा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो ये कट इन वोल्टेज है, VBE है, इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और क्या देखा गया, अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज करता हूं टेम्परेचर को, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज करने से हमारे पास ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये कट इन वोल्टेज है, कितना डिक्रीज कर जाती है, 2.5 mV इतना डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब हमने क्या देखा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली क्या कह रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर 2.5 mV इनपुट वोल्टेज, कट इन वोल्टेज डिक्रीज कर जाती है। और यहां पर अभी हमने देखा था कंसेप्ट किसका, ICBO का। अगर मैं इसके प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल क्या कहता है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज करता है, ये हमने देख लिया, कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग के ब्रेक होने से चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता है और कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ने की वजह से IECO बढ़ता है। इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या देखा गया, अगर मैं सबसे पहले बात करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे पास ICBO की कुछ वैल्यू है, अगर मैं इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दूं, तो हमने क्या देखा प्रैक्टिकली,
आईसीबीयू की वैल्यू जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर था उस वैल्यू का क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब कि प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल क्या कह रही है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे और 10 डिग्री राइज लेके आओगे तो आईसीबीओ में तो क्या चेंज आएगा, अपनी वैल्यू का डबल हो जाएगा 10 डिग्री का राइज करते ही। जो पहले अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बात कर रहा हूं जो वैल्यू आईसीबीओ की है, 10 डिग्री अगर मैंने राइज कर दिया तो उस वैल्यू का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमने क्या कंसेप्ट देखा है अब तक, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा आईसीबीओ बढ़ेगा, आईसीबीओ के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, आईसीईओ बढ़ेगा। यहां से ये कंसेप्ट है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बीटा 1+1 टाइम बढ़ जाएगी। अब दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या लिया है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरी जो कट इन वोल्टेज है वो क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। और कितना डिक्रीज करेगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के राइज करने से 2.5 मिलीवोल्ट के डिक्रीमेंट आता है इनपुट वोल्टेज के अंदर। तो ये कंसेप्ट अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे पास VBE भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब मैं बात कर रहा हूं इस IB की, IB का कंसेप्ट हमने क्या देखा है, IB के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने यहां पर बात की। IB के कंसेप्ट को समझूंगा तो IB तो यहां पर इनपुट के अंदर है VBE की, और मैं आउटपुट को अब नहीं समझ टच करना चाहता, इसका मतलब मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूं, VBE। अगर VBE की वैल्यू, मैं सिलिकॉन का केस ले रहा हूं, तो 0.7 होते ही, 0.7 वोल्ट होते ही तो इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, और ये करंट कौन सा आएगा, कलेक्टर करंट आएगा आउटपुट वाला। हमें तो कौन सा चाहिए, इनपुट वाला चाहिए। इसका मतलब मेरे को इस VBE की वैल्यू क्या रखनी है, 0.7 से कम रखनी है, और 0.7 से कम के ऊपर मैंने क्या नोट किया है, IB की वैल्यू को नोट किया है, और एक ग्राफ प्लॉट किया है डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। ये प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, VBE की डिफरेंट वैल्यू को x एक्सिस के ऊपर लिया, और IB की वैल्यू को मैंने y एक्सिस के ऊपर लिया, और मैंने VBE की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.6 तक, 0.7 होते ही तो कट इन वोल्टेज ब्रेक होगी और कलेक्टर करंट फ्लो कर जाएगा, तो हमें वहां पे बेस करंट का कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले 0 डिग्री टेम्परेचर को फिक्स किया और डिफरेंट VBE की वैल्यू के ऊपर बेस करंट को नोट किया, और इस केस के अंदर हमें ये ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आया। इसके बाद मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, 0 डिग्री से कितना कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, और VBE की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर फिर IB की वैल्यू को नोट किया, और फिर एक ग्राफ को प्लॉट किया, ये कुछ इस टाइप का आया। इसके बाद मैंने फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के बाद हमने फिर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VBE के ऊपर IB को नोट किया, तो ये कुछ ग्राफ इस टाइप का आया। इसके बाद हमने क्या किया, ओनली एक पर्टिकुलर VBE के ऊपर, मीन इस कॉन्स्टेंट VBE के ऊपर हमने क्या देखा, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर बेस करंट की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, ये वैल्यू तो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 0.2 मिली एम्पियर, और ये वैल्यू है 0.4 कितने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। मैंने इसका मतलब टेम्परेचर को राइज किया, कितना राइज कर दिया, 75 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया। 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के ऊपर मेरे को IBS करंट में कितना करंट का चेंज मिला, 0.2 मिली एम्पियर का चेंज मिला, और बढ़ा हुआ मिला। इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज अगर मैं करता हूं तो मेरे को एक कंसेप्ट और मिला यहां पे, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो बेस करंट भी क्या है, ये इंक्रीज होता है, और बेस करंट भी इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आईसीबीओ बढ़ेगा, आईसीबीओ बढ़ेगा, आईबी बढ़ेगा, और आईबी बढ़ने ये पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा। और प्रैक्टिकली क्या देखा गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कलेक्टर करंट हमें क्या मिला, जितना मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, मींस कलेक्टर करंट इज टू बी फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मैं अब बात करूं एक साइकिल की, जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया तो सबसे पहले कौन बढ़ा, आईसीबीओ बढ़ा, आईसीबीओ इंक्रीज हुआ,
आईसीबीओ के इंक्रीज होने से कौन इंक्रीज हुआ है मेरे पास, आईसीओ के इंक्रीज होने से कौन बढ़ा है, आईसीईओ बढ़ा है, आईसीईओ बढ़ा है, आईसीईओ के बढ़ने से ये पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ गया। इसके बाद हमने देखा टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, आईसीबीओ बढ़ा, आईसीईओ बढ़ा, और कौन बढ़ा है, आईबी भी बढ़ा है, आईबी भी इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हमने क्या देखा, ये अगर सारे फैक्टर बढ़े हैं, ये सारे तीनों के तीनों फैक्टर अगर बढ़े हैं तो कौन बढ़ गया, हमारे पास कलेक्टर करंट बढ़ गया। और कलेक्टर करंट अगर इंक्रीज हो गया तो कलेक्टर करंट हमने क्या देखा है, कलेक्टर करंट इंक्रीज कितना होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता है, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा तो फिर टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और फिर ये वाला फिर पूरा प्रोसेस चल पड़ेगा, फिर आईसीईओ बढ़ जाएगा, आईसीबीओ बढ़ जाएगा, फिर आईसीईओ बढ़ जाएगा, मीन्स अपने आप टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ये आईबी बढ़ जाएगा, और आईवी बढ़ते ही फिर क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, और कलेक्टर करंट बढ़ते ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितना कलेक्टर करंट बढ़ा है टेम्परेचर, ये साइकिल चलती रहेगी। इसका मतलब ये कॉम्युलेटिव प्रोसेस चलता रहेगा, और ये फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ ए सेकंड के अंदर ये इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा एम्पलीफायर के अंदर कि वो एम्पलीफायर बर्न आउट कर जाएगा, यानी कि थर्मल रन अवे एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर हमें इस थर्मल रनअवे को अवॉइड करना है तो थर्मल रनअवे को अवॉइड करने के लिए हमें बाइसिंग करनी पड़ती है, जिसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, और उस बाइसिंग में हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जो ये बेस करंट है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ऑटोमेटिकली अपने आप क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, और अपने आप अगर ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा तो ये वाला फैक्टर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन हमें ये तो पता है आईसीबीओ तो बढ़ेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, इस फैक्टर की वैल्यू तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ेगी, लेकिन इस टेम्परेचर फैक्टर की वैल्यू क्या कर जाए, ऑटोमेटिकली अपने आप डिक्रीज कर जाए। इसका मतलब ये जितना इस फैक्टर में डिक्रीज हो उतना ही इस फैक्टर में क्या हो, इंक्रीज हो। इसका मतलब इसका डिक्रीमेंट को कौन कंपनसेट कर ले, ये वाला फैक्टर कंपनसेट कर ले, तो कलेक्टर करंट हमारा क्या रह जाएगा, कॉन्स्टेंट रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। अगर कॉन्स्टेंट रह जाएगा टेम्परेचर, इसका मतलब हमारा ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पर अगर कलेक्टर करंट कॉन्स्टेंट रह जाता है तो हम इस एम्पलीफायर को थर्मल रन अवे में जाने से बचा सकते हैं। इसका मतलब हम थर्मल रन अवे को अवॉइड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाइसिंग करनी पड़ेगी, और वो डिफरेंट तीन चार टाइप के बाइसिंग्स हैं, उनको मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और एक रिक्वेस्ट और है, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी लेक्चर्स मैं डाल रहा हूं उनको रैंडमली पिक करके आप स्टडी ना करें, उनको एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं, उन्हें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ईजी लगेगी, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट बन जाएगी। थैंक यू।